विमेन के लिए मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही धड़कता है और ये शायद अब एक ऑब्सेशन हो चुका है मुझे। और मैंने जब लॉ किया था, सरकारी नौकरी में थी, आईएएस में थी, डायरेक्टर थी यहाँ पे, लेकिन मैंने लॉ किया क्योंकि मैंने देखा कि अगर इस आपको समाज में इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना है तो आपको कानून ज़रूर आना चाहिए, आपको खुद समर्थ बनना है। और ये चीज़ मैंने तब समझी जब खुद हम लोगों ने सिस्टम से लड़ाई करी और वो कानून की पढ़ाई जो थी आज मैं उसको रियलिटी में यूज़ कर रही हूँ। अभी तक तो वो किताबों में थी और मैंने दो महीने हुए हैं सरकारी नौकरी छोड़े, लेकिन इस 2 महीने में मैंने रियलाइज़ कर लिया कि शक्ति कहाँ है, मेरे पास है और वो मेरी सरस्वती में है। पालघरगर का केस हुआ, सब लोग चुप बैठे थे, मैंने इमिजिएटली पिटिशन बनाई, विमेन कमीशन में गई, मैंने पहले डिमांड किया कि पुलिस वालों को सस्पेंड कीजिए, एक्शन लीजिए। शिवाजी पार्क मेमोरियल में भी मैंने कोस्टल जोन अथॉरिटीज़ को लिखा, मैंने कहा बीएमसी कमिश्नर पे एक्शन लीजिए, उन्होंने गलत परमिशन दी कैसे। मुझे कांग्रेस वालों ने थैंक यू बोला, मुझे पुलिस कमिश्नर मुंबई ने थैंक यू बोला, और क्या मैं एक आज के अगर इस परिवेश में देखूं तो अबला नारी ही कहलाऊंगी। लेकिन आप सबला बन सकती हैं, ये अन्याय रोक सकती हैं जब आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाए। मुझे नवाकाल की एडिटर ने बोला, आभा जी आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी अपनी, आप इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही हैं, आप केयरफुल हैं? मैंने कहा नहीं, ऊपर भगवान है और मुझे मालूम है, कानून मैं जानती हूँ, ये मेरे से एक करेंगे मैं इनको 2 बताऊँगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपने को सक्षम बनाइए। आज ये रेप की तो बात हो रही है, दिल्ली रेप की, लेकिन साथ ही साथ अगर आज किसी ने पेपर पढ़ा हो तो पटियाला में जो रेप हुआ 13 नवंबर को, उसकी FIR 27 तारीख को लिखी गई। क्यों ऐसा हुआ, किसी ने इसकी बात की? क्योंकि अभी मीडिया का इंटरेस्ट इस पे नहीं गया है। मैं सोच रही थी कि ये मीडिया शायद वहाँ पहुँच जाएगा और पुलिस ने होशियारी से उस सीनियर इंस्पेक्टर को डिसमिस कर दिया, जाके वहाँ पूछेगा कि 15 दिन तुमने क्यों नहीं लिखी, किस नेता का तुम पे दबाव था या किस बड़े पावरफुल आदमी का दबाव था कि 15 दिन तक तुमने FIR नहीं लिखी। और वो लड़की जब आती थी थाने में पूछने की क्या एक्शन ले रहे हैं तो उस पर प्रेशर डाला जाता था, उससे भद्दे सवाल किए जाते थे कि तुम अपना केस वापस ले लो। थक हार के वेडनेसडे को 2 दिन पहले उस लड़की ने 1.5 महीने के गैंग रेप के बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो दिल्ली जल रही है लेकिन उससे ज्यादा कष्ट पटियाला में हो रहा है, पर अभी मीडिया वहां नहीं पहुंची है। तो आज मैं चाहूंगी कि ये भी इंसिडेंट जो है, अब ये शायद मुंबई की मीडिया इसको ले ले कि मतलब अभी भी अगर हम कह रहे हैं कि हमारे रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, हमारे अंदर प्रसून जी जो कहते हैं कि कहाँ चली गई वो, हम क्या हमको क्लास में ले जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। बचपन से माँ को बेटों को चाटे मार के बताना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट करो अपने घर में पहले माँ को बहन को। अगर ये चीज़ अगर नहीं डाली तो जानवर, और हम लोग शायद जानवर से हम लोग आगे बढ़े थे, वापस उसी तरफ जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और आज हर घर में हर माँ को खड़े होना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ कि वो माएँ कहाँ हैं जो अपने उन लड़कों को, वो पत्नियाँ कहाँ हैं जो अपने ऐसे पतियों को बाहर ला के नहीं एक्सपोज कर रही हैं, वो माएँ कहाँ हैं जो अपने बेटों को इस तरह से पब्लिकली डिसोन नहीं कर रही। अब जब होम मिनिस्टर कहते हैं, RPN सिंह ने बहुत सही चीज़ कही कि इंडिया भर में जितने रेपिस्ट और जितने उनके केसेज हैं वो हम एक डायरी बना के इंडिया भर में बांटेंगे, यही चीज़ पहले होना चाहिए था। बिल्कुल सही है कि महिला क्यों शर्माए, उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसने ये पुरुषों को शर्माना चाहिए कि आपका ये चीज़ है। और मैं सबसे पहले आज कहूँगी कि अपने अधिकार की सुरक्षा करना आप खुद सीखिए, आप लोग खुद इकट्ठी होइए। महिलाएं इतनी हैं, मुझे IAS इंटरव्यू में एक ही चीज़ पूछी गई थी, अ वुमन इज़ अ वुमन्स वर्स्ट एनिमी, और इसी पे मेरा इंटरव्यू हो गया था। हम महिलाएं ही एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, हम खुद ही नहीं आना चाहते आगे। और ये शायद था, मैंने 20 साल से देखा, मैंने तब से कसम खाई कि मैं कहीं भी कुछ होगा मैं उस इशू को जरूर रेस करूंगी। और यही चीज़ है, मैंने मुंबई पुलिस पे जो अभी सलमान केस खान केस में भी मैंने यही इशू कहा है कि पुलिस जो है फेक एविडेंस ला के केस दबाती है। आप अच्छे से अच्छा कानून ले आइए, आप डेथ पेनल्टी ले आइए रेप में, लेकिन पुलिस अगर चार्जशीट नहीं बनाती है, पुलिस अगर पेपर सही नहीं बनाती है, एविडेंस सही नहीं लाती है, तो सारा केस बेकार हो जाता है। तो ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी की, वो SHO जो पटियाला में डिसमिस किया गया है उसकी इंक्वायरी हो, उसने क्यों 15 दिन नहीं रजिस्टर किया। अगर
इस चीज को हम निकाल लेंगे, आधे क्राइम महिलाओं के प्रति जो हो रहे हैं वो अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी में होती नहीं है, उसको वो कुछ भी करती चलेगी, वो जानती है आम आदमी जब तक उसके घर में आग नहीं लगेगी वो बाहर नहीं आएगा। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दीजिए, नेताओं को तो 5 साल में चले जाते हैं बट ये जो ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड है ये सब 30 साल तक रहता है। करप्शन खत्म कीजिए, अकाउंटेबिलिटी लाइए, महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा वो खत्म हो जाएगा। पार्लियामेंट में जो क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं, 4 दिसंबर को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, रेप का बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, लेकिन उसको पार्लियामेंट ने डिस्कस ही नहीं किया। पार्लियामेंट में डिस्कस होता रहा FDI, पार्लियामेंट में डिस्कस होता रहा रिजर्वेशन में प्रमोशन, लेकिन सुधीम जी अब आपको जो है एक पार्टी आपकी अगर डिफरेंस की है तो थोड़ा सा आगे ये मुहिम बढ़ाइए कि जो है इस तरह के जो नॉन सेंसिटिव नॉन पोलिटिकल बिल्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, वो टाइम बाउंड हो। ये आप लोग अगर कर पाएं तो देश के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि पार्लियामेंट में जब सारा कंट्री पार्लियामेंट देख रही है वो पार्लियामेंट ही वुमेन रिजर्वेशन बिल को फाड़ के फेंक देती है। जिस MP ने फाड़ा था आज तक उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? मैं आज यहां से डिमांड करती हूं कि जिस MP ने सरेआम वुमेन रिजर्वेशन बिल फाड़ा था उस पर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत बुलाने के लिए मुझे धन्यवाद, चीजें मेरे पास बहुत है लेकिन 5 मिनट का समय है, मैं उतना समय नहीं लूंगी। बट यस, मैं ये कह सकती हूँ कि नारी अबला है क्योंकि अबला आपको मानसिकता आपकी बना दी गई है। आप अपने अपने को इतना काबिल करिए, फिजिकल शॉर्टेजेस आप में है वो आपकी वीक, आप रहेंगी वीक जेंडर, लेकिन अगर आप में दम है तो आप दुनिया से लड़ सकती हैं। थैंक यू।